Hey supporters, Mr. Informer is here. भाइयों आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो नरूटो शो को देखना चाहते हैं बट वो लोग कंफ्यूज है कि नरूटो शो अदरवाइज वॉच कैसे करें एंड उनकी ये कंफ्यूजन जायज भी है बिकॉज नरूटो शो लिटरली काफी लंबा शो है जिसमें ढेर सारे सीजन एंड ढेर सारी मूवीज हैं एंड ऐसे में ये प्रॉब्लम बन जाती है कि कौन से सीजन के बाद कौन सी मूवी देखें एंड कौन सी मूवी के बाद फिर कौन सा सीजन स्टार्ट करें एंड अगर नरूटो शो अदरवाइज नहीं देखेंगे लिटरली स्टोरी सर के ऊपर से जाएगी एंड मजा भी नहीं आएगा बट डोंट वरी मैं हूं ना और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नरूटो शो अदरवाइज कैसे देख सकते हैं एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि नरूटो फ्रेंचाइजी में पहले नरूटो की कौन सी सीरीज आई देन कौन सी मूवी आई देन कौन सी सीरीज आई एंड आप भी इसी अदरवाइज में नरूटो शो वॉच करना एंड नाउ वी डोंट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट फिगर आउट भाइयों आपको शुरुआत करनी होगी नरूटो शो से जो शो आया था 2002 में एंड ये शो चला था 2007 तक एंड इस नरूटो शो के स्टार्टिंग में हमें एपिसोड देखने को मिले थे 1 से लेके 5 तक एंड 5 एपिसोड के बाद फिर हमें नरूटो शो का एक ओवा स्पेशल एपिसोड देखने को मिला था एंड जो बंदे नहीं जानते कि ओवा स्पेशल एपिसोड क्या होते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ओवा स्पेशल एपिसोड वो एपिसोड होते हैं जो टीवी पे टेलीकास्ट नहीं होते इसके बजाय वो डीवीडी के थ्रू रिलीज होते हैं एंड नरूटो के इस ओवा स्पेशल एपिसोड का नाम था फाइंड द फोर लीफ रेड क्लोवर एंड इस ओवा स्पेशल एपिसोड के बाद फिर नरूटो के एपिसोड कंटिन्यू होते हैं 6 से लेकर 19 तक एंड 19 एपिसोड के बाद फिर दोबारा हमें नरूटो का एक और ओवा स्पेशल एपिसोड देखने को मिलता है एंड इस एपिसोड का नाम होता है नरूटो द क्रॉस रोड्स एंड इस ओवा एपिसोड के बाद फिर नरूटो के एपिसोड कंटिन्यू होते हैं 20 से लेकर 101 तक एंड 101 के बाद फिर दोबारा एक और ओवा स्पेशल एपिसोड आता है एंड इस ओवा स्पेशल एपिसोड का नाम था मिशन प्रोटेक्ट द वाटरफॉल विलेज एंड इस ओवा एपिसोड के बाद फिर नरूटो की एक मूवी आती है नरूटो द मूवी निंजा क्लैश इन द लैंड ऑफ स्नो एंड इस मूवी के बाद नरूटो के एपिसोड कंटिन्यू होते हैं 102 से लेके 160 तक एंड 160 एपिसोड के बाद नरूटो की मूवी आती है नरूटो द मूवी लेजेंड ऑफ द स्टोन ऑफ जेले एंड इस मूवी के बाद नरूटो के एपिसोड कंटिन्यू होते हैं 161 से लेके 196 तक एंड 196 एपिसोड के बाद फिर नरूटो की एक और मूवी आती है नरूटो द मूवी गार्डियंस ऑफ द क्रेसेंट मून किंगडम एंड इस मूवी के बाद फिर नरूटो के एपिसोड कंटिन्यू होते हैं 197 से लेके 220 तक एंड 220 एपिसोड के बाद नरूटो शो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है एंड फिर इसके बाद स्टार्ट होता है नरूटो शिपुडेन सीरीज एंड ये सीरीज स्टार्ट हुई थी 2007 में एंड नरूटो शिपुडेन में हमें स्टार्टिंग में एपिसोड देखने को मिलते 1 से लेके 32 तक एंड 32 एपिसोड के बाद फिर नरूटो शिपुडेन द मूवी आई थी एंड इस मूवी के बाद फिर नरूटो शिपुडेन के एपिसोड कंटिन्यू हुए थे 32 एपिसोड से लेके 71 एपिसोड तक एंड 71 एपिसोड के बाद फिर नरूटो शिपुडेन की एक मूवी आई थी नरूटो शिपुडेन द मूवी बॉन्ड्स एंड इस मूवी को देखने के बाद फिर आप नरूटो शिपुडेन के एपिसोड कंटिन्यू करना 72 से लेके 126 तक एंड 126 के बाद फिर आप नरूटो मूवी देखना नरूटो शिपुडेन द मूवी द विल ऑफ फायर एंड इस मूवी के बाद फिर नरूटो शिपुडेन के एपिसोड कंटिन्यू होते हैं 127 से लेके 143 तक एंड 143 एपिसोड के बाद फिर मूवी आती है नरूटो शिपुडेन द मूवी द लॉस्ट टावर एंड इस मूवी को देखने के बाद फिर आप नरूटो शिपुडेन के एपिसोड कंटिन्यू करना 144 से लेके 196 तक एंड 196 एपिसोड के बाद फिर आप नरूटो की मूवी देखना नरूटो द मूवी ब्लड प्रिजन एंड इस मूवी के बाद देन नरूटो शिपुडेन के एपिसोड कंटिन्यू होते हैं 197 से लेके 219 तक एंड 219 एपिसोड के बाद फिर नरूटो शिपुडेन का एक ओवर स्पेशल आता जिसका नाम था चुनी एग्जाम ऑन फायर नरूटो वर्सेस कोनोहमारू और इस ओवा एपिसोड के बाद फिर नरूटो शिपुडेन के एपिसोड कंटिन्यू होते हैं 220 से लेके 251 तक एंड 251 एपिसोड आने के बाद फिर नरूटो शिपुडेन की एक मूवी आती है रोड टू नरूटो नरूटो द मूवी एंड इस मूवी के बाद फिर नरूटो शिपुडेन के एपिसोड कंटिन्यू होते हैं 252 एपिसोड से लेके 493 एपिसोड तक एंड 493 एपिसोड के बाद फिर नरूटो शिपुडेन की एक मूवी आती है द लास्ट नरूटो द मूवी एंड इस मूवी के बाद फिर नरूटो शिपुडेन के एपिसोड कंटिन्यू होते हैं 494 से लेके 500 एपिसोड तक एंड 500 एपिसोड के बाद नरूटो शिपुडेन सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है बट नरूटो शिपुडेन सीरीज कंप्लीट होने के बाद इस सीरीज में एक ओवा भी आया था जिस ओवा का नाम था द डे नरूटो बिकेम होकेज एंड ये ओवा स्पेशल लिटरली काफी इंपॉर्टेंट है इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना एंड नरूटो शिपुडेन सीरीज कंप्लीट होने के बाद फिर सीरीज आई थी बोरूटो नेक्स्ट जनरेशन एंड बोरूटो नेक्स्ट जनरेशन सीरीज आई थी 2017 में एंड इस सीरीज में स्टार्टिंग में एपिसोड आए थे 1 से
लेके 51 तक एंड 51 एपिसोड के बाद बोरोटो नारुतो द मूवी आई थी एंड इस मूवी के बाद बोरोटो नेक्स्ट जनरेशन में एपिसोड कंटिन्यू हुए थे 52 एपिसोड से लेके 260 एपिसोड तक। एंड भाइयों मैं आपको एक चीज और बता दूं, बोरोटो नेक्स्ट जनरेशन में अब तक सिर्फ 260 एपिसोड ही आए हैं। इट्स मीन बोरोटो नेक्स्ट जनरेशन आगे भी कंटिन्यू होगी एंड इस सीरीज में और भी एपिसोड एड होंगे, बट फिलहाल तो बोरोटो नेक्स्ट जनरेशन में अब तक सिर्फ 260 एपिसोड ही आए हैं। सो भाई ये था हाउ टू वॉच नारुतो फ्रेंचाइजी इन ऑर्डर वे, और आप भी इसी ऑर्डर वे में देखना। और अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपने मन बना लिया यार मुझे पूरा नारुतो देखना है तो आपको टाइम लगने वाला है 404 hours and 28 minutes, जो आपके बैठेंगे 17 दिन। अरे यार काफी लंबा टाइम लग रहा है, बट फैंस के लिए सब कम है। एंड वैसे भी नारुतो शो लिटरली एक माइंड ब्लोइंग शो है, और अगर आप इसको देखने की सोच रहे हो तो बिंदास देखिए, बिंदास। इस शो को देखते हुए मजा ही आएगा और कुछ नहीं, मजा बहुत आएगा। और हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गया कि आप नारुतो शो कहाँ देख सकते हो। तो वैसे दोस्तों नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन ये दोनों के ही दोनों नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, बट नारुतो शिपुडेन के सारे सीजन नेटफ्लिक्स पे नहीं है। कुछ सीजन आपको कहीं और से देखने होंगे, और वो कहाँ से देखने होंगे वो मुझे नहीं पता, बट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दोगे ये चीज मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपके और कुछ डाउट है वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, रिप्लाई फास्ट देता हूँ तो फिक्र मत करना। और अब वीडियो का जब एंड होने वाला है तो हर एक यूट्यूबर की तरह मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबाना, और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो भाइयों मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।